हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। और ऐसा क्या कह दिया कैरी मिनाटी ने जो ऑडियंस उसे इतना कोसने लगी? जो कॉमेडी के नाम पे तुमने हगा है ना अपनी वीडियो पे, और जिस तरीके से अपमान किया है, तुम्हें तो जूते पड़ने चाहिए। इस कंट्रोवर्सी के चलते कैरी को अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा था और तब से उसके चैनल पर व्यूज आना कम हो गए। पर फिकर नॉट भाई लोग, ये अनसीन वीडियो फैक्ट भाई के पास है। जहाँ एक तरफ कैरी से पब्लिक दूर हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमित भड़ाना खुद अपनी ऑडियंस से दूर हो रहे थे। जो मैं आज से 3 साल पहले सोचता था, वो शायद मैं आज ना सोच पा रहा हूँ। मैं कुछ और करने की सोच रहा हूँ। अब आखिर इनके मन में ऐसा क्या था जो ऑडियंस को पसंद नहीं आया? आज के वीडियो में यही जानेंगे कि ये यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स जिन्हें देखने के लिए एक जमाने में लोग तरस रहे थे, वो ही सेलिब्रिटीज आज ऑडियंस को देखने के लिए क्यों तरस रहे हैं। नंबर वन, अमित भड़ाना। एक वक्त था जब अमित भड़ाना के वीडियोस ने दुनिया के सबसे बड़े टी सीरीज चैनल को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि तब अमित के वीडियोस पर 25 से 30 मिलियन व्यूज आना एक आम बात थी। लेकिन अब देखो, उसके वीडियोस 10 मिलियन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। भले ही ये आंकड़ा कम नहीं है, पर अमित के पहले के वीडियोस के मुकाबले ये बहुत कम है। कुछ समय पहले तक उनके फनी स्टोरी और खतरनाक डायलॉग्स का हर कोई दीवाना था। ना कोई गुरूर ना कोई कसूर, इसीलिए ही तो है आजकल अमित भड़ाना मशहूर। लेकिन इस दीवानगी की ऑडियंस लगातार यही सब देखना पसंद करती थी, और इसका डर अमित को सताने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो वीडियोस वो अपनी ऑडियंस के लिए बना रहा है, वो शायद आगे ना चले। लोगों का भी बदल रहा, मेरा भी बदल रहा, मेरे नजरिए बदल रहे हैं। जो मैं आज से 3 साल पहले सोचता था, वो शायद मैं आज ना सोच पा रहा हूँ। और यही सोच के साथ अमित ने अपने कॉन्टेंट में तुरंत बदलाव किया। सिर्फ हेलो सर, हेलो मैम कौन बोलेगा? मैम क्यों सर? जिसमें से एक था अपने वीडियोस की टाइमिंग को बढ़ाना। इससे उनकी बनी बनाई ऑडियंस बोर होकर दूर जाने लगी। पर जब तक ये बात अमित को समझ आती, तब तक लोगों ने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया। नंबर टू, नरेंद्र मोदी। 14 मिलियन यूजर्स, दिन के 16 वीडियोस और डिफरेंट कंटेंट के साथ इंडिया के सबसे अग्रसर यूट्यूबर हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। जी हाँ, वैसे इस चैनल पर आपको 19,000 वीडियोस दिख जाएंगे, मतलब यूएस के प्रेसिडेंट से 100 गुना ज्यादा। और पीएम के उन वीडियोस में से सबसे फेमस वाले हैं ये, कभी भाईजान के साथ तो कभी माँ भाई के साथ और कभी कभी मोर के भी साथ। मिलियंस में व्यूज बटोरने वाले इस चैनल ने एक दौर में सनी लियोनी के चैनल को पीछे छोड़ दिया था। शुरुआती दौर में मंदिर यहीं बनेगा और डिजिटल इंडिया जैसे कई सारे नारे लगाकर मोदी जी ने लोगों का इतना दिल जीत लिया कि सरकारी चैनल पर भी मोदी जी के वीडियोस बढ़ने लगे। लेकिन जब दोनों चैनल पर एक जैसी वीडियोस आने लगी तो लोग बोर हो गए। पर क्या आप जानते हो, मोदी जी इन सब वीडियोस में एड्स न डालकर एक रुपया भी नहीं कमाते हैं। नंबर थ्री, टेक्निकल गुरुजी। वो यूट्यूब की अर्निंग इन सबसे 100 गुना ज्यादा है, वो उसका 1% भी नहीं है। ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि टेक्निकल गुरुजी अपने शुरुआती दौर में दुबई पुलिस के सिक्योरिटी सिस्टम में काम करते थे, जिसके बाद 2015 में शुरू किया उन्होंने अपना हाईटेक चैनल। मगर सबसे पहले 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाला यूट्यूबर आज डाउनफॉल का सामना क्यों कर रहा है? शायद इसकी पहली वजह ये हो सकती है कि रोज के 2 वीडियोस डालने के कारण लोग इनसे बोर होने लगे, और दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि गिव अवेज के घटने से इनके सब्सक्राइबर की एंगेजमेंट कम हो गई। क्योंकि जब एक बार गुरुजी ने 3 गिव अवे एक साथ अनाउंस किए, तब पब्लिक ये देखकर दंग रह गई कि सभी विनर्स के नाम सेम कैसे, क्या ये रोहित सच में इतना लकी है? और भाई लोग, तीसरी और आखिरी वजह जो फैक्ट भाई को भी लगती है, वो है कि गुरुजी समय के साथ अपने वीडियोस में कुछ खास नयापन नहीं ला पाए, जिसके चलते बाकी टेक यूट्यूबर्स आज इनके आगे जा चुके हैं। नंबर 4, द एरा ऑफ कवर सिंगर्स। कभी गला खराब है, स्टूडियो में बुला लिया और ठीक से गाने जा रहा, फिर बोलेंगे बकवास सिंगर है, फिर कभी नहीं बुलाएंगे। ये सब चीज होते रहते हैं तो इंडस्ट्री में, तो मैं पार्टी नहीं बनना। क्या यही वजह है कि सनम का करियर धीरे धीरे नीचे जा रहा है? क्योंकि कुछ साल पहले ये 3 यूट्यूबर्स के कवर सॉन्ग का हर कोई दीवाना था। कुछ लोग थे जो कहते थे कि ये लोग सिर्फ रीमिक्स बनाते हैं, पर पुराने गाने, नई धुन और मधुर आवाज, फैक्ट भाई तो पहुंच गया उस दौर में जब ये तीनों ऊंचाइयां हासिल कर रहे थे। लेकिन हम अगर आज की बात करें तो इन तीनों के ही चैनल्स पर वीडियोस आना काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि सनम बॉलीवुड और बंगाली सॉन्ग्स पर फोकस कर रहे हैं। दूसरी तरफ विद्या अपने आप को ग्रो करने के लिए इंटरनेशनल लाइव शोज करने में लगी हैं। और रही बात शर्ली की, तो बॉलीवुड मूवी करने के बाद यूट्यूब उसका सेकेंडरी ऑप्शन बन गया है। और इन ही सब चीजों के कारण आज इनमें से कोई भी यूट्यूब पर ज्यादा दिखाई नहीं देता, नतीजा ऑडियंस का घटना। नंबर 5, मुंबई कर निखिल। जब 2013 में लोगों को YouTube की ABCD भी नहीं आती थी, तब से निखिल YouTube से लाखों कमाते आ रहे हैं। लेकिन निखिल की जिंदगी में आई कंट्रोवर्सीज के कारण लोगों ने उसे नापसंद किया। अगर शुरुआत से देखें तो निखिल ने अपने दोस्त वसीम शेख को अपने चैनल में शामिल किया था। दोनों मिलके सारे व्लॉग में धूम मचाया करते थे, पर अचानक वसीम की व्लॉग से एग्जिट हो गई। बोली कि भाई तुमको जब भी छोड़ना है, यू आर मोर देन वेलकम टू लीव,
एक महीने पहले बताना। माना जाता है कि इसका एक रीजन निखिल का एटीट्यूड था। कहीं ना कहीं जो इतना सारा जो चीजें चलती है उसका फ्रस्ट्रेशन हमारे घर वालों पे उतरता है, मेरे केस में मेरी वाइफ पे उतरा था। और इस कंट्रोवर्सी के बाद निखिल के व्यूज घटने लगे, जिसके बारे में वो कहते हैं कि बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली राइट नाउ माय प्रायोरिटी इज समथिंग एल्स, अपन फ्यूचर देख रहे हैं। मगर फ्यूचर में जीने वाले निखिल का प्रेजेंट थोड़ा खराब चल रहा है, और इस वजह से जब कोई इन पर एक्सपोज की वीडियो बनाता था तो निखिल तुरंत उसे कॉपीराइट क्लेम करता था, और जब ये सच बाहर आया तो निखिल की इमेज निगेटिव बन गयी, जिसके चलते उनके फैंस उनसे नाराज हो गए। नंबर 6, प्राजक्ता कोहली। ये है प्राजक्ता कोहली की करियर की शुरुआत। अपने ग्रेजुएशन के बाद रेडियो जॉकी बनी प्राजक्ता कई फेमस सेलेब्स का इंटरव्यूज ले चुकी हैं, और इन सब के दौरान प्राजक्ता के टैलेंट पर नजर पड़ी संदीप लहरी की, जिन्होंने प्राजक्ता को यूट्यूब चैनल खोलने की सलाह दी, जिसके बाद वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई कि लोग उसे भुवन बम से कंपेयर करने लगे। मगर लॉकडाउन के टाइम पर एक ऐसा समय आया जहां प्राजक्ता जमीन पर लेकर रोने लगी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी यूट्यूबर जमीन पर आ गई? वही जो हर यूट्यूबर के साथ होता है, लोग जुड़ने बंद हो गए। लेकिन प्राजक्ता ने इसका सॉल्यूशन निकाला। वो मुड़ी वेब सीरीज और मूवीज की तरफ, जहां सक्सेस इतना ना मिलने की वजह से वो यूट्यूब पर फिर से लौट आई, पर तब तक उसकी ऑडियंस चली गई थी। इनफैक्ट बिल गेट्स जैसी पर्सनालिटी के साथ वीडियोस डालने के बाद भी लोगों का रिस्पांस इनके साथ मिसमैच्ड हो गया। नंबर 7, वरुण पृथ्वी। ये है आम जिंदगी। 11,500 और ये है वरुण पृथ्वी की एक्टिंग वाली जिंदगी। अंकल जी, गरीबों की मेहनत का पैसा मार के ना पछता नहीं है, 100 तरीकों से निकल जाता है। हुआ यूं कि पहले वरुण ने गरीबों की मदद करके पुण्य के साथ साथ फॉलोअर्स कमाए, पर जब इसका दोगलापन ऑडियंस को समझ आया तो वही ऑडियंस बद्दुआ देकर अनसब्सक्राइब हो गई। इस काला कांडी को कवर करने के लिए वरुण मूवी में चले गए, लेकिन इनकी एक्टिंग इतनी कमाल थी कि हैप्पी न्यू ईयर जैसे बड़े मूवीज में भी किसी ने उसे नोटिस नहीं किया। अब लोग उसके पुराने वीडियोस का मजाक उड़ाने लगे हैं, और इसी वजह से वरुण ने यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करना छोड़ दिया है। अब वो यही स्टंट फेसबुक पर कर रहा है, क्योंकि आज भी 100 में से 40 लोग ऐसे जो वीडियोस देखकर कह नहीं पाते कि वरुण के वीडियोस सच हैं या फिर झूठ, और इसी का फायदा उठाकर वरुण ने अपना प्लेटफॉर्म ही चेंज कर दिया। नंबर 8, कैरी मिनाटी। मैम आप ना ज्यादा चढ़ो मत, मेरा फोन मेरी मर्जी कैसे इस्तेमाल करूं। इस एक वीडियो से कैरी का चैनल डिलीट होते होते बच गया। खैर ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। कैरी के जब सिर्फ 2000 फॉलोअर्स थे, तब भी उसका चैनल एक सिंगर को रोज करने से कम्युनिटी स्ट्राइक का शिकार हो गया। भले ही उस वक्त कैरी की गलती थी, पर भाई लोग क्या इस वाले वीडियो में कुछ ऐसा गलत लगा? लेकिन ऑडियंस का डाउनफॉल ना हो इसलिए कैरी ने तुरंत उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब कैरी करने को तो कुछ नया गए थे, लेकिन लोगों को सिर्फ वही देखना था कि कैसे कैरी सबको रोज करते हैं, और इसी का फायदा उठाकर ऑनलाइन स्ट्रीम करने वाले कुछ गेमर्स कैरी के आगे चले गए। जब ये बात कैरी के ध्यान में आई तो उसने भी ऑनलाइन स्ट्रीम करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं है कि कैरी भाई कॉपीकैट निकले, क्योंकि कैरी को गेम्स खेलने का शौक बचपन से ही था, और उन्होंने अपना पहला चैनल कैरी देओल के नाम से शुरू किया था, जिसमें वो गेम्स खेलते हुए सनी देओल की आवाज में लोगों को रोस्ट करते थे। मुझे रोजॉक नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है। ये फॉर्मूला कैरी ने फिर से अपनाया, और फिर से वो नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। देखा दोस्तों, चाहे आप यूट्यूब पर 6 साल से हो या 8 साल से, लोगों को अच्छा कंटेंट दोगे तो ही टिक पाओगे। शायद इसीलिए आज भी बीबी की वाइंस और आशीष चंचलानी जैसे यूट्यूबर्स की कभी कभार आने वाली वीडियोस भी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और भाई लोग, अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे भुवन बम की पहली वीडियो इतनी वायरल हो गई, तो इस आई बटन पर क्लिक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।